वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर धीरज चतुर्वेदी। दोस्तों, ये नया यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पे हम सभी लोग यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में पढ़ाई जाने वाली बायोलॉजी की बुक, बायोलॉजी के सिलेबस के साथ साथ अलग अलग मेडिकल्स के एग्जामिनेशन जैसे नीट, एम्स और जिपमर के सारे सर्विसेज को कवर करेंगे, ताकि ऐसे लोग जो अलग अलग बड़े शहरों में, कोटा जैसे शहरों में मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए नहीं जा पाते हैं, वो सभी अपनी सारी डाउट्स को इसी चैनल पर हमारे इंटरेक्शन के थ्रू, हमारे बातों के थ्रू ही उसको क्लियर आउट कर सके और अपने एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा नंबर मिले, साथ ही साथ वो नीट जैसे या एम्स जैसे एग्जाम्स में भी अच्छा कर पाए। इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 का सिलेबस। क्लास 12 में बच्चों पूरा जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड या दूसरे स्टेट बोर्ड्स का जो सिलेबस है बायोलॉजी, वो ओवरऑल कुछ एक 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने वीडियो में, अपने इस चैनल के पहले वीडियो में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे पहली यूनिट सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक से, और उस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के बायोलॉजी सिलेबस का की पहली यूनिट है। इस यूनिट में हमको 4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करना है, 4 चैप्टर्स को देखना है। इसमें पहला चैप्टर जो हमको देखना है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस, द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। द सेकेंड चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द थर्ड चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। एंड द फोर्थ चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अपनी अगली कुछ एक वीडियो में बच्चों हम लोग ये सारे चैप्टर्स जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग और रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन चारों चैप्टर्स के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्या चीजें पूछी जाती है, मेडिकल के एग्जाम में इन सारे चैप्टर से क्या क्वेश्चन सेगमेंट में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में रिप्रोडक्शन के का कॉन्सेप्ट क्या है, रिप्रोडक्शन की मेंटेनेंस क्या है, जरूरत क्या है, इसके बारे में देखेंगे। रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने तरीकों से हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर है, इसमें हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तीसरा जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, इसमें ह्यूमन बींग्स में होने वाले रिप्रोडक्टिव मेथड्स, रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। और जो चौथा चैप्टर हमारा था, फोर्थ चैप्टर बने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी फ्रीक्वेंटली होने वाली डिजीजेस हैं और उनसे हम खुद को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सारे इश्यूज का आंसर हमें इस चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। इसके चलिए तो हम लोग वन बाय वन करके पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना।